मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में मंथन का दौर जारी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों के साथ हार के कारणों पर चर्चा की। इस मौके पर कमलनाथ ने कहा, कांग्रेस के उम्मीदवारों को अपने गांव में ही 50 से कम वोट मिले हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। कमलनाथ ने कहा, सभी जानते हैं प्रदेश में क्या माहौल था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार कई सवाल खड़े कर रही है। पार्टी के नेता चुनाव नतीजे देख दंग और सोच में पड़े हैं, आखिर चूक कहां हो गई। हार के कारणों पर मंथन करने पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों के साथ पीसीसी कार्यालय में बैठक की। बैठक में दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान कमलनाथ ने कहा, कांग्रेस के उम्मीदवारों को अपने गांव में ही 50 से कम वोट मिले, ये कैसे संभव हो सकता है। सभी जानते हैं प्रदेश में माहौल क्या था। एग्जिट पोल माहौल बनाने के लिए किया गया था, जिसे परिणाम पहले से पता था उसने ही एग्जिट पोल बनाया। देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं आप, पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले, ये कैसे हो सकता है। कहते मेरे अपने गांव में घर से मैंने देखा। एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी, जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ। बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे पूर्व मंत्री बाला बच्चन ने कहा, बड़वानी जिले में कांग्रेस के लिए नतीजे अच्छे रहे, हमने 4 में से 3 सीटें जीती। मैं क्षेत्र की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। देखिए, अभी चिंतन बैठक होने दीजिए, जो एक्चुअल जो आएगा फिर हम आप लोगों को बता देंगे। साफ अंदर आ गए, बैठक स्टार्ट हो जा चुकी है। हमारी क्षेत्र में 4 में से 3 सीट कांग्रेस ने जीती बड़वानी जिले में, जहां पर देश के प्रधानमंत्री जी ने भी सभा ली थी, लेकिन हम लोगों ने 4 में से 3 सीटें कांग्रेस ने जीती। बड़वानी में अच्छा रिजल्ट रहा है। हमारे क्षेत्र की जनता को मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनका जो अथक प्रयास था उसका ये परिणाम था, और जो कांग्रेस के पदाधिकारी थे उनकी देन थी, और हमारे यहाँ पर रिजल्ट अच्छा रहा है। भाजपा की प्रचंड जीत और कांग्रेस की करारी हार पर कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने कहा, बीजेपी ने चुनाव में खूब सारा काला धन लगाया है। जानबूझकर भाजपा ने मजदूरों को मनरेगा में काम नहीं मिलने दिया, मनरेगा का रेट नहीं बढ़ाया, मजदूर परेशान और कमजोर हो गए। फिर इसका लाभ उठाकर थोड़ा बहुत पैसा इनके खाते में भेज दिया गया और भाजपा ने चुनाव जीत लिया। ये कोई सकारात्मक राजनीति नहीं है। लक्ष्मण सिंह बोले, मैं ईवीएम पर सवाल नहीं उठाता, भाजपा ने काला धन से चुनाव जीता है। पहली प्रतिक्रिया ये है कि खूब सारा काला धन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में इसको लगाया है, और जानबूझकर मजदूर को पनपने नहीं दिया इनने 15-20 साल में, जानबूझकर उसको मजदूरी नहीं मिलने दी, मनरेगा में काम नहीं मिलने दिया, मनरेगा का रेट नहीं बढ़ाया, मजदूर बहुत कमजोर रहे, परेशान रहे, और उसका लाभ उठा के थोड़ा बहुत पैसा उन्हें दे के, थोड़ा बहुत पैसा उनके खाते में डाल के, और ये चुनाव ये जीते हैं। तो ये कोई सकारात्मक राजनीति नहीं है। हम सुनते थे साहब सुशासन, अटल बिहारी जी के नाम पर एक सुशासन अकेडमी है, क्या ये सुशासन है कि तुम प्रदेश को कर्जे में डालते जाओ और कर्जा लेकर और फिर इस तरह की योजनाओं में डालो, क्या ये सुशासन है। ईवीएम पर मैं नहीं किए होंगे, उनका अपना मत है, मेरी राय में ईवीएम पर मैं कोई सवाल खड़ा नहीं करता हूँ। ये केवल और केवल बहुत सारा काला धन चुनाव में खर्च हुआ है, और काले धन के अलावा इन्होंने मंदिरों में पैसा उतना सारा रख दिया, मंदिरों को दुकान बना दिया, भगवान को दुकानदार बना दिया, इस तरह तो ये लोग चुनाव लड़ते हैं, इस तरह की बात करते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।